कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर कम्युनिकेशन किसे बोलते हैं? कम्युनिकेशन है मैंने बोला, आपने सुना मेरी बात, मेरा मैसेज आप तक पहुंच गया, हमने कम्युनिकेट किया, खत्म। ये कम्युनिकेशन है। तो फिर ये चैप्टर में क्या है? बस यही है, बोलने वाला, सुनने वाला, काम खत्म। हाँ ऐसा ही है, पर कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, मतलब कि बिना माइक के नहीं बोलूँगा, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के थ्रू बोलूँगा। तो अब कैसे मैं बोलना चाहता हूँ, मैं कोई मैसेज देना चाहता हूँ आपको, अब मैं लैंडलाइन से भी दे सकता हूँ आपको, मैं आपको मोबाइल फ़ोन से भी दे सकता हूँ, मैं टीवी पे आके ट्रांसमिशन कर सकता हूँ, मैं रेडियो पे कोई इंटरव्यू दे सकता हूँ, मैं क्लास के अंदर माइक लगा के लेक्चर डिलीवर कर सकता हूँ, मैं अपने आप को कैमरे में रिकॉर्ड करके आपको अपलोड करके दे रहा हूँ, वो भी कम्युनिकेशन है। सब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, सब टाइप का कम्युनिकेशन इसमें स्टडी किया जाएगा। और कम्युनिकेशन कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के अंदर ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसके अंदर जो जो मैं मार्क करवाऊंगा, मीन बोलता जाऊंगा, बस वो आप अंडरलाइन करते जाना, पूरा चैप्टर पढ़ने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, काम काम की चीज़ करेंगे। आना इसमें न्यूमेरिकली, ये मैं बता दूंगा आपको, पर न्यूमेरिकल करने के लिए आपको थोड़ी सी थ्योरी सीखनी पड़ेगी। तो वो थ्योरी क्या क्या इंपॉर्टेंट है, बस वो मार्क करते जाना, बाकी सब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर सबसे पहले ये पूरी हिस्ट्री बता रहा है कि बहुत जमाने में पहले ये कम्युनिकेशन यूज करते थे, कि पता नहीं कौन कौन सी कम्युनिकेशन है, हमने कुछ नहीं करना इसमें से। तो कम्युनिकेशन कुछ नहीं है, इट इज द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दैट इज सोर्स टू डेस्टिनेशन। इंफॉर्मेशन क्या है? मैसेज ही इंफॉर्मेशन है, जो काम की इंफॉर्मेशन है, काम का मैसेज को इंफॉर्मेशन बोलते हैं। इसके अंदर सिग्नल क्या है? क्योंकि हम इसमें क्या यूज करने वाले हैं, क्योंकि हम इसके अंदर जो यूज करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक के अंदर क्या हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ, मेरी साउंड वेव माइक कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में। माइक का काम है साउंड वेव को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल बनाना पड़ेगा। जब मैं बोल रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल कन्वर्ट किया माइक ने, और लाउड स्पीकर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को वापस साउंड में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये इनपुट में लगा हुआ है, लाउड स्पीकर आउटपुट में लगा हुआ है, इसको ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो रही है दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में, साउंड की एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट हो रही है और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल साउंड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऐसे डिवाइसेस जो ये एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं इनपुट आउटपुट में, उसको बोलते हैं ट्रांसड्यूसर्स, ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो अंडरलाइन कर सकते हैं, ट्रांसड्यूसर सफिशिएंट है। तो सिग्नल कुछ नहीं है, एक जस्ट एक वोल्टेज सिग्नल है, एक वोल्टेज टाइम वेरिंग सिग्नल है। कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर क्या चाहिए होगा? कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर चाहिए, जैसे एक चाहिए ट्रांसमीटर। यहाँ पर ये जो माइक यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर एक ट्रांसमीटर लगा हुआ है। तो बेसिकली माइक क्या कर रहा है, साउंड सिग्नल को वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है। ये वोल्टेज सिग्नल, यहाँ पे एंटीना लगा हुआ है, वो एंटीना क्या करता है, एंटीना का काम होता है वोल्टेज को वेव्स में कन्वर्ट करना। ट्रांसमीटर पे, रिसीवर पे भी एंटीना लगा हुआ है, उसका काम है वेव्स को कैच करना और वापस वोल्टेज में कन्वर्ट करना। तो एंटीना दोनों तरफ लगे होते हैं, ट्रांसमीटर पे भी और रिसीवर पे भी। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे एक ट्रांसमीटर चाहिए, मुझे एक इसमें एंटीना चाहिए, मुझे इसमें चैनल चाहिए। अब चैनल कैसे, अगर मैं मान लो लैंडलाइन यूज कर रहा हूँ तो मुझे वायर चाहिए, बोलने वाला और सुनने वाले तक वायर का कनेक्शन चाहिए, वायर्ड कनेक्शन है। तो चैनल कौन है, वायर है, इसके थ्रू सिग्नल जा रहा है उसको चैनल बोलते हैं। पर यहाँ पर तो वायर नहीं है, यहाँ पर तो वायरलेस है, तो एयर इसमें एक चैनल है, एयर के थ्रू सिग्नल आ रहा है। तो इसलिए मुझे क्या चाहिए कम्युनिकेशन सिस्टम में, इंफॉर्मेशन सोर्स चाहिए, मैं इंफॉर्मेशन सोर्स बना रहा हूँ जो मैसेज बनाएगा, ट्रांसमीटर इलेक्ट्रॉनिक उसे ट्रांसमिट करेगा एंटीना के थ्रू, चैनल यानी कि हवा के थ्रू या वायरलेस के थ्रू सिग्नल जा रहा है, वायर या वायरलेस में कभी कभी एक्स्ट्रा सिग्नल भी इसमें सुपर इम्पोज कर जाता है, मिल जाता है बाहर के अनवांटेड सिग्नल, उसको नॉइज़ बोलते हैं। तो नॉइज़ ऐड हो जाती है, तो जो अनवांटेड है पर हो जाती है तो क्या करें, फिर रिसीव्ड सिग्नल है, रिसीवर उसे रिसीव करेगा एंटीना के थ्रू, और फिर मैसेज सिग्नल क्या है, आपको लाउड स्पीकर के थ्रू यूजर इन्फॉर्मेशन तक पहुंचाएगा। तो ये कम्युनिकेशन है। तो बेसिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, पॉइंट टू पॉइंट और ब्रॉडकास्ट। अगर मैं कोई लैंडलाइन फ़ोन घुमाऊँ तो लैंडलाइन फ़ोन का मतलब एक वायर रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों तक लगी हुई है, इसको बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। और दूसरा होता है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट में क्या करना है, तो मैंने आपके कान में कोई लैंडलाइन कोई फ़ोन तो ना दिए हुए हैं, आप सुन रहे हो, मैं ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ, आप सब आराम से बैठे हो, सबको इक्वल सिग्नल जा रहा है, मैं ब्रॉडकास्टिंग कर रहा हूँ। ये छोटे लेवल की ब्रॉडकास्टिंग है, रेडियो स्टेशन 50 किलोमीटर तक ब्रॉडकास्ट करते हैं, जिसने
कार में वो रेडियो लगाया, वो ट्यून करेगा और सिग्नल को ले सकता है। टीवी वाले और पूरे कंट्री तक ही ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, रेंज ज़्यादा बड़ी होती है, तो ये ब्रॉडकास्टिंग है, इनमें वायर्स की जरूरत नहीं है, वायरलेस है सारा। ठीक, बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम। पहली ट्रांसड्यूसर, मैंने बता दिया ट्रांसड्यूसर कुछ नहीं है, जैसे मैंने बताया ये एक ट्रांसड्यूसर है माइक, जो एक साउंड एनर्जी को वोल्टेज सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। लाउड स्पीकर ट्रांसड्यूसर है, आप ATM मशीन में जाते हो या टच पैनल देख रहे हो, तो आप दबाते हो टच को, तो टच स्क्रीन दबाते हो तो आप प्रेशर अपना बना रहे हो, प्रेशर वोल्टेज में कन्वर्ट हो रहा है, फर्दर जितना प्रेशर है वो बटन ऑन हो जाता है, ये भी ट्रांसड्यूसर है। तो ट्रांसड्यूसर कुछ नहीं है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ट्रांसड्यूसर्स हैं। नेक्स्ट है सिग्नल क्या है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैन बी डिफाइंड एज अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ टाइम। जैसे AC सिग्नल है तो क्या है, वो टाइम के साथ अपनी वैल्यू को क्या करता है, चेंज, बस वही आपका मैसेज सिग्नल है। नेक्स्ट नॉइज क्या चीज है, अनवांटेड सिग्नल जो ऐड हो जाते हैं कहीं से भी उसको नॉइज बोलते हैं। इसमें ट्रांसमीटर क्या चीज है, ट्रांसमीटर है कि जो मैं कोई बोलना चाह रहा हूँ, कोई मैसेज है उसको सूटेबल तरीके से कन्वर्ट कर रहा है, वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है, प्रॉपर वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है और फिर ट्रांसमिट कर रहा है, ये ट्रांसमीटर है। फिर रिसीवर क्या करता है, रिकवर करता है सिग्नल को हवा से, रिसीवर एक्चुअल सिग्नल को फिर से रिट्रीव करता है और आप तक लेके आता है, तो ये रिसीवर है। अटेन्यूएशन का मतलब होता है जब एक सिग्नल हवा में ट्रेवल करता है या वायर में ट्रेवल करता है तो उसका ना एनर्जी का लॉस होता जाता है, क्योंकि तो जितनी दूरी कवर करेगा वो एनर्जी चाहिए उसको कवर करने के लिए, अपनी एनर्जी खराब करता जाता है, तो बहुत दूर तक सिग्नल वीक 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 होता जाता है। इस वीकनिंग ऑफ सिग्नल को नाम दिया जाता है अटेन्यूएशन, अटेन्यूएशन का मतलब सिग्नल का वीक होना। नेक्स्ट है एम्प्लीफिकेशन, होता क्या है जब सिग्नल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है तो कमजोर हो जाता है, पावर उसका लॉस हो जाता है, तो हम रास्ते में एम्पलीफायर लगाते हैं ताकि सिग्नल वापस से रिस्टोर हो जाए, उसका एम्पलीट्यूड बराबर हो जाए और सिग्नल वीक ना हो, तो उसके लिए एम्पलीफायर लगाया जाता है। नेक्स्ट है इसमें जो कॉन्सेप्ट है रेंज, एक सिग्नल कितनी दूरी तक जा सकता है, कितने किलोमीटर तक, कितने मीटर तक, उसको बोलते हैं उसकी रेंज। नेक्स्ट है बैंडविड्थ, बैंडविड्थ सिंपल है, जैसे मान लो मेरा जो कम्युनिकेशन है, मैं बोल रहा हूँ हवा में और ये कन्वर्ट हो रहा है सिग्नल, तो मान लो 10 हर्ट्ज़ से लेके 15 हर्ट्ज़ तक मैं अपने सिग्नल को भेज सकता हूँ, तो उससे ज़्यादा नहीं भेज सकता। आप कहोगे देखो भेज तो 92.7 पर भी भेज सकता हूँ, पर मेरे पर केस हो जाएगा, 92.7 के ऊपर अगर मैं भेजूंगा तो रेडियो कम्युनिकेशन वाले भी उसी पर भेज रहे हैं, तो जो ब्रॉडकास्टिंग हमारा जो मिनिस्ट्री है, सुना होगा रेडियो एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, उनका यही काम है, उसे लाइसेंस लेना पड़ता है, तो वो लाइसेंस देते हैं और इस पूरी हवा में सिग्नल कोई भी कितनी फ्रीक्वेंसी भी भेजेगा वो डिफाइंड होता है। जैसे सेंटर लॉकिंग में ब्लूटूथ यूज़ होता है तो बहुत ही छोटी फ्रीक्वेंसी चाहिए उसको करने के लिए। मेरा मोबाइल ये जो माइक है ये भी रूम तक, सामने दो रूम तक बस कैपेबल है, इतनी की फ्रीक्वेंसी है, लो फ्रीक्वेंसी है। आपको रेडियो कम्युनिकेशन करना है फिर आपको 50 किलोमीटर की फ्रीक्वेंसी चाहिए, फिर आपको हवा में सिग्नल को सेंड करना पड़ेगा, आपको टीवी ट्रांसमिशन करना है आपको सैटेलाइट तक सेंड करना पड़ेगा, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। कोई मशीन बनाने के लिए आपको उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसकी टेस्टिंग करवानी पड़ेगी ताकि एक्चुअल में सिग्नल्स कन्फ्लिक्ट ना हो। तो हम क्या करते हैं, तो इन्होंने क्या किया, जो स्पेस है उसको बांट दिया। जैसे अगर कोई मान लो मैं क्लास में लेक्चर दे रहा हूँ और ये जो मशीन यूज़ कर रहा हूँ इसकी फ्रिक्वेंसी 10 हर्ट्ज से लेके 15 हर्ट्ज तक ही है, बस आप कोई भी फ्रिक्वेंसी की मशीन इसमें चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लोअर फ्रिक्वेंसी कितनी है, 5, हायर कितनी है, 15, तो डिफरेंस ऑफ लोअर और हायर फ्रिक्वेंसी कितनी है, 15 में से 5 गया 10, तो बैंडविड्थ है। बैंडविड्थ का मतलब डिफरेंस ऑफ हायर एंड लोअर फ्रिक्वेंसी को बैंडविड्थ बोलते हैं। ठीक है, तो हम करेंगे इसे भी डिस्कस। बेस बैंड क्या होता है, तो जो ओरिजिनल सिग्नल है, जो मैं बोल रहा हूँ ओरिजिनल सिग्नल, वो अलग बात है, मेरे बोलने के बाद माइक में जाने के बाद सिग्नल एम्पलीफाई हो गया, बड़ा कर दिया गया, वो अगर बड़ा ना करें, एक्चुअल जो वोल्टेज बनी उसको बेस बैंड सिग्नल बोलते हैं। तो एक्चुअल सिग्नल जो बनाया जाता है वो वोल्टेज की फॉर्म में जो बनता है उसको बेस बैंड सिग्नल बोलते हैं। बाद में उसको हम उसमें और सिग्नल मिला देते हैं, उसको मिलाने को बोलते हैं मॉड्यूलेशन कर देते हैं, बात अलग है, पर बिना मिलाने के कुछ भी ओरिजिनल सिग्नल जो है उसको बेस बैंड सिग्नल या मैसेज सिग्नल बोलते हैं। तो मैसेज सिग्नल, ओरिजिनल सिग्नल या बेस बैंड सिग्नल एक ही बात है। नेक्स्ट है मॉड्यूलेशन। अब मॉड्यूलेशन का प्रोसेस और डीमॉड्यूलेशन का प्रोसेस है क्या, देखो जो मॉड्यूलेशन है, सपोज करो मैं ये चाहता हूँ कि आपका जो सिग्नल है ये एक्चुअल सिग्नल है, मेरा जो एक्चुअल सिग्नल है इसको एक्चुअल सिग्नल नहीं बोलते, इसको बोलते हैं मैसेज सिग्नल, मैसेज सिग्नल या बेस बैंड सिग्नल कुछ भी बोल सकते हैं।
तो इसका इसको एम ऑफ टी से रिप्रेजेंट करते हैं। एम ऑफ टी का मतलब है, एम ऑफ टी मीन्स कि जो मैसेज है वो टाइम के साथ अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है, एम्पलीट्यूड चेंज कर रहा है, हर वक्त एसी की तरह इंस्टेंटेनियस वैल्यू एम ऑफ टी है। अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने क्लास में लेक्चर दिया, मेरे माइक ने ये सिग्नल बना दिया एम ऑफ टी, एम ऑफ टी का मतलब एम डिपेंड्स अपॉन टाइम, तो सिग्नल बन गया। मैं चाहता हूँ कि पूरा शहर सुने, 50 किलोमीटर तक लोग सुने। अब अगर मैं इसको हवा में ब्रॉडकास्ट करता हूँ, मैंने कर तो दिया, अब ये देखो हवा में जा तो रहा है, प्रॉब्लम ये है कि हवा में जा तो रहा है पर ये 2 कमरों तक जा रहा है और मेरे को 50 किलोमीटर तक की रेंज में भेजना है इसे। तो अगर ऐसा करना चाहता हूँ या मुझे टीवी ट्रांसमिशन करना है तो मुझे इस सिग्नल को सैटेलाइट तक लेके जाना है ताकि सैटेलाइट फर्दर आगे इसे लोगों तक लेके जा सके। अब ये जो सिग्नल है ये लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल होते हैं, ये बहुत दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाते क्योंकि फ्रिक्वेंसी लो है तो एनर्जी इनकी लो होती है। पर मेरे को सैटेलाइट तक भेजना है मान लो 300 किलोमीटर ऊपर, तो मैं क्या करता हूँ, एक और हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल लेता हूँ। ये जो जो सिग्नल है ये एक हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल है जिसको बोलते हैं कैरियर वेव। ये क्या है, इसकी कैरियर वेव, जैसे रेडियो वेव्स हैं, जैसे माइक्रोवेव हैं, रेडियो वेव्स हैं, जिनकी स्पीड 3×10^8 है और उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को सुपर इम्पोज करवा दूंगा, मिला दूंगा, मिक्स कर दूंगा दोनों को। मिक्स करने के बाद एक नया सिग्नल आएगा, एक नया सिग्नल आएगा, इसको बोलते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल। और इस प्रोसेस को जिसमें लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को एक हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव में मिला दिया जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन का मतलब अपने सिग्नल को सही तरीके से मॉड्यूलेट करना, उस फॉर्म में बनाना जिसमें मैं चाहता हूँ बनाना और जिसमें कि ट्रांसमिशन हो सके। तो मॉड्यूलेशन का मतलब लो फ्रिक्वेंसी वेव को हाई फ्रिक्वेंसी वेव में मिलाना इज नोन एज मॉड्यूलेशन। क्यों मिलाना, ताकि बहुत दूर तक जा सके, इसकी फ्रिक्वेंसी हाई हो चुकी है, राइट। और ये कैरियर वेव है, ये भी साइनोसाइडल है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय सी टी, सी फॉर कैरियर वेव, टी फॉर टाइम डिपेंडेंट कैरियर वेव है, तो ये सी ऑफ टी है। क्लियर है यहाँ तक? तो इन दोनों को मिला के नई वेव आ जाती है, इसमें जो नई वेव हवा में ऐसी जाती है, इस प्रोसेस को मॉड्यूलेशन बोलते हैं। फिर ये सिग्नल में कहीं रिसीवर रिसीव करेगा, अब रिसीवर तो ये रिसीव करेगा ना, चाहिए तो लेकिन ये इसे, ये तो हटाना पड़ेगा, तो फिल्टर किया जाता है। तो रिसीवर एंडर पे क्या होगा, रिसीवर इसे रिसीव करेगा, छांट देगा, इसको अलग कर देगा, इसको अलग कर देगा। तो ये जो सिग्नल अलग करने का प्रोसेस है वो रिसीवर एंड पे होता है, इसको बोलते हैं डी मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का मतलब मिलाना, डी मॉड्यूलेशन का मतलब सेपरेट करना, ठीक है। तो दो प्रोसेस हम इसमें कैरी करेंगे, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। तो ये दो टर्म्स और यूज होंगी इसमें, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। कई जगह रिपीटर लगे होते हैं, जैसे मोबाइल टावर्स हैं, छतों में बहुत मोबाइल टावर होते हैं, यहाँ से बॉम्बे कॉल जाएगी तो मान लो 500 मोबाइल टावर एक्टिव हो जाएंगे उस टाइम, जब मैं फ़ोन करूँगा तो सिग्नल एक टावर से दूसरे टावर से तीसरे टावर तक जाता है, बहुत जल्दी जल्दी जाता है, रेडियो वेव्स है 3×10^8 स्पीड, बहुत स्पीड से चलता है, तो इतने टावर एक्टिव हो जाते हैं उस टाइम, मेरी कॉल जाती है। तभी तो वो कॉल रिकॉर्डिंग वो देख लेते हैं ना, कोई क्राइम होता है तो देख लेते हैं कि कहाँ पर कहाँ से कॉल गई, कहाँ टावर के पास वो मोबाइल फ़ोन मिलेगा, टावर एक्टिवेटेड होते हैं, वो सब नोट कर रहे होते हैं, हर चीज़ नोट हो रही होती है उसमें, तो रिकॉर्डिंग भी हो रही होती है, हर चीज़ उसमें नोटेड रहती है, और कॉल का लॉग तो बनता ही बनता है, कितने बजे कॉल गई, कितने बजे कॉल आई, राइट। तो इसके अंदर क्या होता है, ये टावर क्यों, यहाँ से यहाँ सिग्नल जाएगा, वीक हो जाएगा हवा में, तो ये रिपीटर की तरह काम करता है। रिपीटर का मतलब सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, फिर से रिसीव करता है, रिसीव करके एम्पलीफाई करता है और फिर ट्रांसमिट भी करता है। तो जो टावर रिसीवर भी है, ट्रांसमीटर भी है, एम्पलीफायर भी है, उसको बोलते हैं रिपीटर। तो रिपीटर लगे होते हैं ताकि सिग्नल को दूर तक लेके जाया जा सके, ठीक, ये रिपीटर्स हैं। और उसके बाद है ट्रांसमीटर और रिसीवर। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में ट्रांसमीटर क्या होता है, ट्रांसमीटर यहीं से देख लेंगे। मान लो मेरे पास एक माइक्रोफोन है, ये ना माइक, ट्रांसमीटर पे क्या लगा होगा, मॉड्यूलेटर मशीन लगी होगी, क्योंकि ट्रांसमीटर क्या करेगा, मेरे एक्चुअल वोल्टेज सिग्नल को कैरियर वेव में मिलाएगा, और वो मशीन का नाम क्या है, मॉड्यूलेटर, और प्रोसेस का नाम क्या है, मॉड्यूलेशन। तो फिर एम्पलीफायर क्या करेगा, उसको एम्पलीफाई करेगा, क्योंकि एम्पलीफायर को पता है हवा में सिग्नल कमज़ोर हो जाएगा, तो पहले से ही एम्पलीफाई करके भेजते हैं, पावर दे के भेजते हैं, और एंटीना उसे ब्रॉडकास्ट कर देगा। फिर रिसीवर पे एंटीना लगा होगा, कैच करेगा सिग्नल, फिर क्या करेगा, एम्पलीफायर लगा होगा, सिग्नल वीक है तो उसको एम्पलीफाई कर देगा, ठीक कर देगा। डीमॉड्यूलेटर दोनों वेव्स को सेपरेट कर देगा, एक्चुअल सिग्नल ऑडियो एम्पलीफायर के थ्रू, माइक जो लाउड स्पीकर उसके थ्रू बाहर आ जाएगा। तो ये डायग्राम है किसका, ट्रांसमीटर का, और डायग्राम किसका है, रिसीवर का। ऐसा होता है, इतना ही पढ़ने की जरूरत है और पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं मार्क करवा रहा हूँ। मैसेज सिग्नल दो टाइप के हैं,
एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। सिंपल, एनालॉग सिग्नल टाइम वेरिंग होता है, टाइम के साथ अपनी वैल्यू को क्या कर रहा होता है, चेंज, ये एनालॉग है। और डिजिटल सिग्नल क्या होता है, डिस्क्रीट सिग्नल है। डिस्क्रीट का मतलब फिक्स लेवल्स हैं, या तो हाई वोल्टेज है या लो वोल्टेज, या हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज, दो ही वोल्टेजेस होंगी। एनालॉग में मल्टीपल वोल्टेजेस हैं, हर इंस्टेंट पे डिफरेंट वोल्टेज है। डिजिटल में दो ही वोल्टेजेस हैं, या हाई होगी या लो होगी, बात खत्म, इतना ही रहेगा। ठीक, नेक्स्ट है बैंडविड्थ ऑफ अ सिग्नल। बैंडविड्थ ऑफ अ सिग्नल मैंने बताया, रेंज ओवर विच फ्रीक्वेंसीज इन एन इंफॉर्मेशन सिग्नल वेरी इज कॉल्ड बैंडविड्थ। तो ये देखो एग्जाम्पल है, स्पीच सिग्नल कंटेन्स फ्रीक्वेंसी, जो हम बोलते हैं स्पीच सिग्नल माइक में, उसकी फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज से 3100 हर्ट्ज तक होती है। तो ये इसके अगर बैंडविड्थ निकालनी हो तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो ये 2800 इसकी क्या मानी जाएगी, बैंडविड्थ है। जैसे ऑडियो सिग्नल्स होते हैं वो 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज, बहुत फ्रीक्वेंसी हाई है, इसके बीच में लाई करते हैं, तो इसलिए इनकी जो बैंडविड्थ है वो इसको इसमें से माइनस करेंगे, पर इसके सामने बहुत छोटा है, तो अप्रोक्सीमेट बैंडविड्थ 20 किलो हर्ट्ज ही रहेगी। जैसे वीडियो सिग्नल के अंदर ट्रांसमिशन ऑफ पिक्चर होती है, पिक्चर में बैंडविड्थ 4.2 मेगा हर्ट्ज चाहिए, और उसी तरीके से टीवी सिग्नल में वॉइस भी होती है और पिक्चर भी होती है, तो टीवी सिग्नल के लिए 6 मेगा हर्ट्ज के आसपास बैंडविड्थ चाहिए सिग्नल। तो ऐसे करके डिफाइन कर रखी है, जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा सेंड करना है, बैंडविड्थ उतनी ही ज़्यादा चाहिए होगी। ठीक है, यहाँ था, तो ये रूल है। नेक्स्ट है, ये करना नहीं है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। नाम सुनेंगे वो ज़्यादा करना की जरूरत नहीं है। ये टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर वो कह रहा है कि जैसे स्पीच ट्रांसमिशन है, रेडियो वाले यूज़ करते हैं स्पीच ट्रांसमिशन, पिक्चर और स्पीच ट्रांसमिशन टीवी में यूज़ होती है, फैक्स ट्रांसमिशन यूज़ होता है, फैक्स मशीन यूज़ करते हैं, डेटा ट्रांसमिशन कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, ईमेल वगैरह आती है, और मोड ऑफ एनालॉग कम्युनिकेशन हो सकता है, डिजिटल कम्युनिकेशन हो सकता है। एनालॉग पहले ज़माने में चलता था, वो जो एल्युमिनियम के एंटीना सेट करते रहते थे, पुराने पतंगे फंस जाती थी उसमें, बड़े बड़े एंटीना हर घर पे लगे होते थे, वो एनालॉग है। आज के केस में डिजिटल है, टाटा स्काई, डीटीएच, ये सब डिजिटल है। एक कम्युनिकेशन है लाइन कम्युनिकेशन, आप वायर्ड यूज़ करना चाहते हो या स्पेस कम्युनिकेशन वायरलेस यूज़ करना चाहते हो। अगर आप लाइन कम्युनिकेशन वायर यूज़ करना चाहते हो तो कौन सी वायर यूज़ करना चाहते हो, टू वायर लाइन, दो तारों वाली लाइन है, लाइन का मतलब वायर, कोएक्सियल केबल यूज़ करना चाहते हो, ऑप्टिकल यूज़ करना चाहते हो, इसकी की आगे टेक्निक्स हैं। स्पेस कम्युनिकेशन, हवा में ट्रांसमिशन करना है वो भी कैसे चाहते हो, हवा में रेडियो की तरह ऐसी हवा में ट्रांसमिट कर दें, मेरी तरह ऐसी हवा में ट्रांसमिट कर दें, या सेटेलाइट के थ्रू ट्रांसमिशन चाहते हो, तो ये भी अलग अलग इनकी वराइटीज़ हैं। तो बहुत बड़ा है ये पूरे का पूरा ट्रांसमिशन। मॉड्यूलेशन कौन सी चाहते हो, दो वेव को मिक्स करना कैसे चाहते हो, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन चाहते हो, फ्रिक्वेंसी चाहते हो कि फेज चाहते हो। FM तो सुना होगा, रेडियो FM, बताऊंगा इसमें क्या होता है आज FM ट्रांसमिशन में। तो FM चाहते हो या AM चाहते हो, PM तो आता नहीं है, ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल आता है मेंस वालों को वो AM के अंदर से आता है, जो आज हम करेंगे। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्लासिफिकेशंस हैं। तो एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन सही है, कुछ करना नहीं है, मॉड्यूलेशन से करते हैं। मॉड्यूलेशन मैंने बता दिया, तो वो कह रहा है कि नीड ऑफ मॉड्यूलेशन क्या है, मॉड्यूलेशन की ज़रूरत। तो पहली ज़रूरत है मॉड्यूलेशन की, प्रैक्टिकल एंटीना की लेंथ। वो कह रहा है जो बेसिकली ये देखा गया है कि अगर आप सिग्नल को अफेक्टिवली ट्रांसमिट करना चाहते हो तो हाइट ऑफ एंटीना शुड बी कंपेरेबल टू दी वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल। तो हाइट ऑफ एंटीना और वेवलेंथ कंपेरेबल होने चाहिए। अब एक बात बताओ, आप एंटीना अपनी मशीन में छोटा चाहोगे कि बड़े बड़े चाहोगे, छोटा ही चाहोगे, बड़े एंटीना कौन मैनेज करेगा। तो एंटीना अगर आप छोटा चाहते हो तो वेवलेंथ भी छोटी रखनी पड़ेगी, और वेवलेंथ छोटी का मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। अब आपका जो सिग्नल बनता है उसकी फ्रीक्वेंसी लो होती है, तो आप क्या करोगे, हाई फ्रीक्वेंसी वेव के साथ उसे सुपर इम्पोज करोगे, यानी कि मॉड्यूलेट करोगे ताकि इसकी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाए, वेवलेंथ लो हो जाए, ताकि आपको एंटीना की हाइट भी छोटी ही रखनी पड़े। ये पहला स्टेप है, मॉड्यूलेशन क्यों किया। दूसरा स्टेप है अफेक्टिव पावर रेडिएटेड बाय एंटीना। ये देखा गया है कि जो एंटीना की जो पावर रेडिएटेड होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू उसकी वेवलेंथ रेज टू पावर 2 होती है। अब आप चाहते हो कि एंटीना ज़्यादा पावरफुल हो, पावरफुल करने के लिए वेवलेंथ को रखना पड़ेगा कम। वेवलेंथ अगर कम है तो फ्रिक्वेंसी क्या रखनी पड़ेगी, ज़्यादा। फ्रिक्वेंसी ज़्यादा सिग्नल की होती नहीं है, तो क्या करनी पड़ेगी, फिर से मॉड्यूलेशन, ताकि वेवलेंथ कम हो जाए और पावर
ज़्यादा हो सके एंटीना की, तो इसलिए नीड फॉर मॉड्यूलेशन है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लेक्सिंग। फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब है कि मान लो जैसे आपको टीवी ट्रांसमिशन भी हवा में करना है, सैटेलाइट तक भेजनी है, मान लो मेरा सिग्नल है, ये स्टेशन है, ट्रांसमीटर है, मैं रेडियो स्टेशन भी चला रहा हूँ, मैं टीवी स्टेशन भी चला रहा हूँ। अब रेडियो स्टेशन में लो फ्रीक्वेंसी चाहिए, टीवी स्टेशन में हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए, सिग्नल तो वही है जो मैं बोल रहा हूँ, उसी सिग्नल को हाई भी बनाना है, उसी सिग्नल को लो भी बनाना है, तो कैरियर भी वैसे ही चूज करेंगे कि जिसमें 50 किलोमीटर तक भी सिग्नल जा सके, और अगर ज़्यादा हाई कैरियर वेव ले लेंगे तो सैटेलाइट तक जा सके। तो ये क्या कर रहे हैं, बेसिकली मॉड्यूलेशन कर रहे हैं। तो मॉड्यूलेशन के अंदर हम किसी भी फ्रिक्वेंसी पे अपने एक्चुअल सिग्नल को कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, एक ही सिग्नल को कई फ्रिक्वेंसी दे सकते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लेक्सिंग। ऐसी नैरो बैंडिंग में कह रहे हैं कि बेसिकली क्या होता है कि इफ अ सिग्नल इन द ऑडियो रेंज 20 से 20 किलो हर्ट्ज की रेंज में जाता है, डायरेक्टली ट्रांसमिट कर देते हैं, तो रेशियो ऑफ हाईएस्ट टू लोएस्ट फ्रिक्वेंसी 1000 है। तो हाईएस्ट और लोएस्ट फ्रिक्वेंसी 1000 है, और अगर कैरियर वेव में मिक्स करके भेजते हैं, कैरियर वेव 100 किलो हर्ट्ज है, तो लो फ्रिक्वेंसी इतनी होगी, हाई फ्रिक्वेंसी इतनी होगी, लो इतनी होगी, हाई इतनी होगी, डिवाइड करेंगे आंसर सिर्फ 1.2 आएगा। अब वो कह रहे हैं कि इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो हायर और लोअर की रेशियो है वो हमेशा कम रखा जाता है, ताकि क्वालिटी ऑफ सिग्नल ज़्यादा हो और वो बैंडविड्थ कम ऑक्यूपाई करे, तभी तो उसका नाम है नैरो बैंड। नैरो का मतलब पतला, तो पतला कर दिया जाता है। तो हम क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन करके इसकी रेशियो को कम रखते हैं, ताकि कम स्पेस ऑक्यूपाई करे आपका सिग्नल, तो इसलिए मॉड्यूलेशन की जरूरत पड़ती है। आता नहीं है क्वेश्चन, वैसे नॉलेज के लिए बता रखा है। तो ये बेसिकली नीड फॉर मॉड्यूलेशन है। इसके अंदर वो कैरियर वेव के बारे में बता रहे हैं, मैंने बता दिया कैरियर वेव क्या है, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। अब स्टार्ट करते हैं इसके अंदर टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन। हालांकि कैरियर वेव एक साइनोसाइडल वेव है, कैरियर वेव की इक्वेशन कुछ भी हो सकती है, जैसे सी ऑफ टी है, सी का मतलब वोल्टेज की वैल्यू है कैरियर की, दैट डिपेंड्स अपॉन टाइम, इज ए सी का मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव, उसकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैरियर वेव है, इनटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। आप कॉस की जगह साइन भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन में गिवन होता है, आपको याद कुछ नहीं करना, बस पता होना चाहिए कि ये कैरियर वेव की इक्वेशन है। इसके बाद जो हमने काम करना है आज का, वो काम करना है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की थ्योरी पढ़ेंगे, इसके मैथमेटिकल रिजल्ट देखेंगे। मैथमेटिकल रिजल्ट को याद नहीं करेंगे इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेशन, क्योंकि ये एनसीईआरटी का टॉपिक नहीं है। हम सिंपल फॉर्मूलाज याद करेंगे, जो मैं मार्क करवाऊंगा बस वो मार्क कर लेना, 2-3 फॉर्मूलाज हैं, बाकी थ्योरी बताता जाऊंगा कि कैसे बन रही है, लेकिन आपको सिर्फ सुनना है, आपको याद कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक। तो बेसिकली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है क्या चीज, नाम से ही पता लग रहा है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मतलब क्या मॉड्यूलेट करना, क्या चीज चेंज करनी, एम्पलीट्यूड चेंज करना। तो एम्पलीट्यूड को चेंज करना, दो चीजें होती हैं सिग्नल में जो चेंज की जा सकती हैं, एक फ्रीक्वेंसी और एक एम्पलीट्यूड। अगर मैंने एम्पलीट्यूड को चेंज करवाया, दो वेव्स को मिक्स करके एम्पलीट्यूड चेंज हुआ, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन AM। और अगर दो वेव्स को मिक्स करके एम्पलीट्यूड चेंज ना हुआ, फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन FM। तो जो आपका रेडियो स्टेशन FM जो ट्रांसमिट करते हैं, इसमें एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता, इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। तो अब इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं इसको करना कैसे है। देखो रूल नंबर 1, जब आपके पास कोई भी दो वेव्स हैं, पहली आपकी एक्चुअल वेव है मैसेज सिग्नल, मैसेज सिग्नल को किससे रिप्रेजेंट किया, MFT, ये आपका मैसेज सिग्नल है, इसको सुपर इम्पोज करेंगे किसमें, हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव। साफ पता लग रहा है इसकी फ्रिक्वेंसी कम है और इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, नंबर ऑफ वेव यानी कि ज़्यादा फ्रिक्वेंसीज है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, ये कैरियर वेव है CFT। इसका एम्पलीट्यूड कितना है, कैपिटल AC। इसका एम्पलीट्यूड कितना है, कैपिटल AM। अगर मैंने सुपर इम्पोज करूँ तो एक नई वेव बनेगी, ये नई वेव बन गई, ये नई वेव बनी, ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल है जो हवा में जाएगा। इसके अंदर चेक करने वाली बात, ये एनवेलप है, एनवेलप का मतलब टॉप के पीक्स को ज्वाइन कर दो, एनवेलप बन जाएगा इसका। देखने वाली बात ये है इसमें कि एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कुछ एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है जिसको रिप्रेजेंट किया गया है बाय Amax,
और कोई एम्पलीट्यूड बिल्कुल मिनिमम है जिसको रिप्रेजेंट किया गया बाय ए मिनिमम, क्योंकि एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है मॉड्यूलेट, तो मिनिमम एम्पलीट्यूड भी होगा और इसमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड भी होगा, तो एक ए मिनिमम होगा और एक ए मैक्सिमम होगा। तो जब हम इसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करते हैं और ऐसा कोई ग्राफ बनता है तो इसकी कैलकुलेशंस, मतलब ये हमने याद भी नहीं करनी और हमें सिर्फ ये रिजल्ट बताया गया है कि जो मिनिमम एम्पलीट्यूड है वो ए मिनिमम ये रहा, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो ये रहा। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर लूँ, अगर मैं इन दोनों को माइनस कर लूँ तो मेरे पास ये स्पेस बचेगा। इस स्पेस को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, इस स्पेस को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ये जो मिड पॉइंट आता है इसकी वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए सी, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैरियर वोल्टेज। ये ऐसी है, मतलब मैं बता नहीं रहा कैसे आया, मैं बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। तो रूल नंबर वन, एक आएगा ए मैक्स, एक आएगा ए मिनिमम, इन दोनों को माइनस कर लेंगे, इसका जो मिड पॉइंट है वो आएगा ए सी, और ये जो वैल्यू आएगी आधी आधी ये आएगा ए एम। ए एम का मतलब जो मेरा मैसेज सिग्नल है उसका मैक्सिमम वैल्यू ए एम है, तो ये भी ए एम है और ये भी क्या आएगा ए ऑफ एम आएगा, ए एम ए एम। तो इसमें यही याद करना है, याद भी क्या करना है देखना ही, आपको याद भी नहीं करना। ये आएगा ए मैक्स, ये आएगा ए मिनिमम, इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस का आधा ए सी और ये आधा आधा ए एम और ए एम आएगा, बस इतना पता होना चाहिए। याद क्या करना है अभी मार्क करवाऊंगा। तो जब ये ग्राफ बनता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर तो एक टर्म को डिफाइन किया जाता है और वो टर्म है मॉड्यूलेशन फैक्टर या मॉड्यूलेशन इंडेक्स। एक ही बात है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स या डिग्री ऑफ मॉड्यूलेशन या मॉड्यूलेशन इंडेक्स या मॉड्यूलेशन फैक्टर एक ही बात है, या डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन भी बोलते हैं। तो इसके अंदर इट रिप्रेजेंट्स एक्सटेंड टू विच एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव इज चेंज बाय मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, कि जब कैरियर वेव आई थी उसमें मैंने अपना सिग्नल मैसेज सिग्नल ऐड किया था तो कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड चेंज हुआ था, वो किस हद तक चेंज हुआ था उसको मॉड्यूलेशन इंडेक्स बोलते हैं। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स को डिफाइन किया जाता है रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ ओरिजिनल कैरियर वेव, मतलब ओरिजिनल कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड तो एसी है, बात खत्म। और जब सिग्नल को मैंने क्या किया मिलाया, मिला के जो एम्पलीट्यूड आया उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है ए एम है। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली ऐसा कर सकते हो, ये ए एम है, ये ए एम है, ये ए सी है, अगर आप इनकी रेशियो को डिवाइड करें तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स आएगा। आपको कुछ नहीं करना, पहला फॉर्मूला मार्क कर लो, मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज ए एम बाई ए सी, दैट्स इट। बस ये याद करो, पहला फॉर्मूला जिसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा मॉड्यूलेशन इंडेक्स पे पक्का न्यूमेरिकल आएगा, और क्या है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ए एम डिवाइडेड बाई ए सी। कोई नहीं पूछेगा आपसे कि आप ये कहाँ से लेके आए, कोई नहीं पूछेगा, सीधा न्यूमेरिकल आएगा। सिर्फ थ्योरी आपको आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन इतनी जरूरत पड़ेगी नहीं थ्योरी की, सीधा मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला याद करें। दूसरा, फिर आप एक काम करें, इस ग्राफ को देखें, इस ग्राफ के अंदर ये क्या है ए मैक्स है, ये क्या है ए मिनिमम है, ये आपके पास ए मैक्स है, ये आपके पास ए मिनिमम है। अगर मैंने माइनस करूं तो मेरे पास ये आ जाएगा, और ये पता है क्या आएगा, ये आएगा टू टाइम्स ए एम, क्योंकि आधा ए एम है आधा भी ए एम है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, ए मैक्स माइनस ए मिनिमम इज टू टाइम्स ए एम, तो यहां से ए एम की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है ए सी की वैल्यू क्या होगी, ए मैक्स माइनस ए एम, ए मैक्स माइनस ए एम, ये रहा ए एम को यहां से उठा के यहां पुट करेंगे तो ए सी आ गया, ए एम आ गया, ए सी आ गया, इन दोनों को यहां पे डिवाइड कर दो ए एम ए सी को, बॉक्स में डालो मॉड्यूलेशन इंडेक्स का सेकंड फॉर्मूला। या तो ऊपर वाला फॉर्मूला काम आएगा ए एम बाई ए सी, या नीचे वाला काम आएगा ए मैक्स माइनस ए मिनिमम बाई ए मैक्स प्लस ए मिनिमम, दोनों फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। कहां से आया ये नहीं पूछेगा, सिर्फ फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आएगा। ऑनलाइन क्लियर है, ठीक है, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, बहुत डीप में नहीं जाना, ये कहां से आया कहां से आया कोई जरूरत नहीं है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स देखो, फॉर्मूलास पढ़ो, सीधा न्यूमेरिकल करेंगे और कोई न्यूमेरिकल गलत भी नहीं होगा, चिंता ना करो। और जो जो फॉर्मूला मार्क करवाते जा रहा हूं उसको मार्क करते जाओ। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव क्या होती है देखो,
ध्यान देखो इधर दो, ये आपका मैसेज सिग्नल है, एक्चुअल सिग्नल को मैसेज सिग्नल बोलते हैं MT, ये इसकी इक्वेशन है AM साइन ओमेगा T, राइट। ये आपकी कैरियर वेव है, हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव, कैरियर वेव की इक्वेशन क्या है, कैपिटल AC साइन ऑफ ओमेगा T, इसकी फ्रिक्वेंसी अलग इसकी अलग है, इसलिए इसको ओमेगा M लिखा हुआ है, इसलिए इसको ओमेगा C लिखा हुआ है, ये पॉइंट भी क्लियर है। मुझे क्या करना है, इन दोनों को मिला के एक नई वेव हवा में देनी है, जो नई वेव है उसका नाम क्या है, मॉड्यूलेटेड वेव, जो नई वेव है उसका नाम क्या है, मॉड्यूलेटेड वेव, राइट। तो नई वेव का नाम है मॉड्यूलेटेड, मुझे नई वेव की इक्वेशन बतानी है क्या होगी, आपका मेंस का न्यूमेरिकल इस इक्वेशन पे आएगा, इसकी इक्वेशन पे आता है। तो कैसी बनी इक्वेशन इसको समझ लेते हैं, पहले एक एक रूल को समझो, इसके अंदर एक रूल है कि अगर सपोज करो आपके पास कोई भी एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, ये रहा मींस एक्चुअल सिग्नल है, मैसेज सिग्नल है एम ऑफ टी, आपके पास कैरियर वेव है सी ऑफ टी, फिर मॉड्यूलेटेड वेव है जो हवा में जाएगी। याद रखना जो जो कैरियर वेव है और जो मॉड्यूलेटेड वेव है जो हवा में जाएगी, इसकी फ्रिक्वेंसी और इसकी फ्रिक्वेंसी में कोई चेंज नहीं है, वो सेम रहती है। क्यों? क्योंकि टॉपिक का नाम है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, नॉट फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो चेंज क्या हो रहा है यहां पर, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही। पहला स्टेप क्लियर है। अब दूसरा स्टेप, इसका जो एम्पलीट्यूड होगा और इसका इसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, एसी एसी, इसका जो एम्पलीट्यूड है उसको रिप्रेजेंट किया गया बाय, एक बार देख लेते हैं, उसको रिप्रेजेंट किया बाय ए लेट अस सपोज ए, तो इसको रिप्रेजेंट किया बाय ए। अब एक चीज देखो ना, ए इसमें चेंज हो रहा है हर वक्त, ऑब्वियसली ये तो चेंज ही होगा इसमें, तो एम्पलीट्यूड इसका चेंज हो रहा है। अब इसका जो एम्पलीट्यूड होगा ए, ठीक है, जो टाइम के साथ चेंज होगा, और इसका एम्पलीट्यूड कितना है, ए ऑफ एम, ठीक। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में इसका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड का और एक्चुअल सिग्नल का जो डिफरेंस होता है, ये जो सिग्नल है क्या एम्पलीट्यूड जो भी होगा इसका, इसमें से क्या माइनस किया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल एम, एम का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू, तो इसको माइनस किया, तो ये जो डिफरेंस ऑफ एम्पलीट्यूड आता है ये प्रोपोर्शनल होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, एम ऑफ टी के प्रोपोर्शनल होता है। एम ऑफ टी क्या चीज है, एम ऑफ टी है मैसेज सिग्नल, और मैसेज सिग्नल था क्या, मैसेज सिग्नल है एम इंटू साइन ऑफ ओमेगा एम इंटू टी, ये रूल है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, ये जो डिफरेंस ऑफ एम्पलीट्यूड होता है वो इसके प्रोपोर्शनल होता है। ये देखो ये यहाँ लिखा हुआ है, इसे डायरेक्ट लिख दिया, देखो डायरेक्ट कैसे लिखा, ये देखो जो मेरा इस क्वेश्चन के अंदर एम ऑफ टी का मतलब क्या है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज, जो टाइम वेरिंग है, जिसका एम्पलीट्यूड कितना है एम है, जिसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है ओमेगा एम है। C of T का मतलब instantaneous value of carrier voltage, जिसका amplitude AC है, जिसकी frequency omega C है। अब इसके अंदर जो amplitude है modulated signal का amplitude होगा जो हवा में जाएगा, minus AC, अभी सिखाया A minus AC is proportional to MT, तो इस constant से मान ले लिया, तो A यही तो लिख रहे हैं वो, A minus AC is proportional to इस प्रोपोर्शनल टू एम ऑफ टी, कांस्टेंट 1 है तो वही तो कह रहा है ए माइनस ए सी प्रोपोर्शनल टू एम टी, या सीधा याद कर, या तो करना ही नहीं, खैर आपने आपने तो देखना ही है कि जो रिजल्टेंट जो हवा में वेव जाएगी मॉड्यूलेटेड सिग्नल उसका एम्पलीट्यूड इसके इक्वल होगा, एम ऑफ टी ए एम साइन ओमेगा टी पुट कर लो यहां से, और यहां से एक काम करो मॉड्यूलेशन इंडेक्स को एम या म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि क्या होता है ए एम बाय ए सी, तो ए एम की वैल्यू क्या आएगी, म्यू टाइम्स AC, तो AM की जगह क्या पुट किया, म्यू टाइम्स AC, ये कॉमन आ गया, तो ये क्या आ गया, एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब वो कह रहा है जो कैरियर वेव है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ AM सिग्नल इज गिवन बाय, जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है AM की वो कैरियर वेव की तरह ही होती है, और जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है रादर, ये कैरियर को रहने दो, आप लिख लेना कि जो ये मॉड्यूलेटेड वोल्टेज है, ये किसकी वोल्टेज है, मॉड्यूलेटेड वोल्टेज है,
मॉड्यूलेटेड वोल्टेज का मतलब जो मिलने के बाद चली गई वो इसके इक्वल होगी, ए साइन ओमेगा टी, और फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी रहेगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी कभी चेंज होती नहीं, तो मॉड्यूलेटेड वोल्टेज और कैरियर वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी ऑलवेज रिमेन्स सेम, इसे ओमेगा सी लगाया। आप ये पूरे का पूरा ए यहाँ पे पुट कर लो, पूरे का पूरा ए पुट कर दिया, ये पुट करने के बाद इसको मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, आपने नहीं करना, कुछ नहीं याद करना आपने, आपने पहला क्या याद करना है, आपने पहला स्टेप ये याद करना है, ये बॉक्स में डालो कि मॉड्यूलेटेड वोल्टेज का जो एम्पलीट्यूड है वो इसके इक्वल है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है, इसके ऊपर तो कहाँ से ढूंढ के ला रहे हैं इक्वेशन, इसमें न्यूमेरिकल आएगा मॉड्यूलेटेड वोल्टेज के एम्पलीट्यूड पे, तो मॉड्यूलेटेड वोल्टेज का एम्पलीट्यूड याद रखना है, फिर दूसरा का याद कर रखना है, ये आपकी इक्वेशन है मॉड्यूलेटेड वोल्टेज की, जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसकी वोल्टेज की इक्वेशन ये रही, इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके ये सी एम टी रहने दो, ये मॉड्यूलेटेड वोल्टेज लिखो यहाँ पर, तो ये मॉड्यूलेटेड वोल्टेज कि ये इक्वेशन याद करो, हवा में जो सिग्नल जाएगा दो वेव को मिलने के बाद वो इसके इक्वल जाएगा, ये याद करो ठीक। इसके अंदर ये देखो, एक फ्रीक्वेंसी कितनी है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, और एक फ्रीक्वेंसी कितनी है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। इस ग्राफ को देखते हुए इसे जरा प्लॉट करो, ये देखो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, इस इक्वेशन में ये पता लग रहा है कि कम से कम फ्रीक्वेंसी कितनी है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। एक काम करो, कम से कम फ्रीक्वेंसी कितनी है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, अगर मैं इसको 2 पाई से डिवाइड कर दूं तो ओमेगा बाय 2 पाई क्या होता है एफ होता है, तो ये क्या बनेगा एफ सी माइनस एफ एम, और ऐसे ये क्या बनेगा एफ सी प्लस एफ एम। तो मुझे पता है कि जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है जो हवा में चली गई आफ्टर इंटरमिक्सिंग ऑफ टू वेव्स, सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव्स, उसकी कम से कम फ्रीक्वेंसी ये आएगी और ज्यादा से ज्यादा फ्रीक्वेंसी ये आएगी। तो ये देखो प्लॉट किया, कैरियर फ्रीक्वेंसी एफ सी, एम्पलीट्यूड वेव की कम से कम फ्रीक्वेंसी ये आएगी, ज्यादा से ज्यादा फ्रीक्वेंसी ये आएगी। पहला रूल, जब फ्रीक्वेंसी एफ सी होगी, सिर्फ एफ सी, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा वेव का ए सी। जब फ्रीक्वेंसी एफ सी माइनस एफ एम होगा, ये देखो एफ सी माइनस एफ एम, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा म्यू इंटू ए सी बाई टू, और ऐसी अगर एफ सी प्लस एफ एम होगा तो एम्पलीट्यूड क्या होगा म्यू इंटू ए सी बाई टू अगेन। ये देखो तो समझ में आ रहा है एम्पलीट्यूड कैसे आ रहे हैं इसमें, तो इसमें ये जो फ्रीक्वेंसी है जो छोटी फ्रीक्वेंसी होती है उसको लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं एलएसबी, और ऐसी इसमें अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं यूएसबी। और अगर मैं बोलूं कि ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की मिनिमम और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो ये बताओ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बैंडविड्थ कितनी है, तो आप बड़ी में से छोटी फ्रीक्वेंसी को माइनस करेंगे, तो बॉक्स में डालें बैंडविड्थ ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज ऑलवेज इक्वल टू 2 टाइम्स एफएम, याद रखें। समझ में आ रहा है, और एफएम का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव, मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी। तो ये अगला फॉर्मूला जो आपके काम आएगा, ठीक है यहाँ तक। तो ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि कैसे हुआ, ठीक। इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल गिवन है, वो कह रहा है कि ठीक है अब एक वेव फॉर्म बनाओ, ठीक है, जिसमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0% है, 50% है, 100% है और 150% है। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0%, मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0% कुछ ऐसा दिखेगा, ये एक्चुअल सिग्नल है आपका एम ऑफ टी, ऐसा दिखेगा। मॉड्यूलेशन इंडेक्स हाफ आपको ऐसा दिखेगा, वन आपको ऐसा दिखेगा, ग्रेटर देन वन आपको ऐसा दिखेगा। अब ये क्या सिग्निफाई कर रहा है इसको देखते हैं। मॉड्यूलेशन इंडेक्स जीरो ये शो करता है कि ए एम की वैल्यू इसमें जीरो है, क्योंकि मॉड्यूलेशन इंडेक्स का डेफिनेशन ए एम बाई ए सी होता है, और अगर म्यू जीरो है तो ए एम तो बिल्कुल ही जीरो है, तो ए एम जीरो है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव रिमेन्स अनचेंज। वो कह रहा है फिर चेंज ही नहीं होगा जब ए एम की वैल्यू ही जीरो है, जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज ही नहीं हो रहा, तो फिर एक्चुअल सिग्नल का भी कैसे चेंज होगा, क्योंकि होता तो प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए वो कह रहा है चेंज ही नहीं होगा। तो इसलिए वो कह रहा है कि फिगर के अंदर आप चेक करें एम्पलीट्यूड हमेशा क्या रखा गया इसमें सेम। फिर वो कह रहा है अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स 50% है,
तो 50% का मतलब यहाँ पर हाफ पुट कर लेना, हाफ, तो इसको सॉल्व करना हाफ के साथ, तो ए मैक्स क्या आएगा, 3 times ए मिनिमम। तो अगर ए मैक्स 3 गुना ज्यादा है ए मिनिमम से, तो कैरियर वेव इज सेड टू बी अंडर मॉड्यूलेटेड। ये देखो अंडर मॉड्यूलेटेड है ये, तो ए मैक्स 3 times ए। तो फिर मॉड्यूलेशन किसे बोलते हैं, प्रॉपर मॉड्यूलेशन तब होती है जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स 100% होता है। तो ए मिनिमम क्या होता है, 0। देखो ए मिनिमम यहाँ पर बिल्कुल 0 है, बिल्कुल 0। हम यही चाहते हैं कि ए मिनिमम बिल्कुल मिनिमम, और बिल्कुल मिनिमम कब पाया जाएगा, 0 पे, और ए मैक्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो। ऐसा डायग्राम तब बनेगा जब ये डायग्राम होगा, बिल्कुल 0 भी हो गया और मैक्स भी हो गया। तो ये प्रॉपर डायग्राम नहीं है, ये प्रॉपर डायग्राम है, ये बेस्ट डायग्राम है जिसमें ए मिनिमम बिल्कुल 0 है। फिर ऐसी अगर मान लो 150% है, तो ए मैक्स बिकम 2.5 times द कैरियर एम्पलीट्यूड, तो ये ओवर मॉड्यूलेटेड है, इसमें स्पेस आ गया, स्पेस का मतलब सिग्नल मिस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे कि एग्जांपल के साथ समझा रखा है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता तो नहीं है, वैसे आएगा तो फाइंड मॉड्यूलेशन इंडेक्स पे आएगा, तो मैं करके दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट टाइम, आसान है, इतना चिंता ना करो, जितना बोल रहा हूँ उतना काम का नहीं आएगा, आएगा वो 3 formulae जो बॉक्स में मार्क करवा दी उसी में क्वेश्चन आएंगे, पर फिर भी क्योंकि इसमें गिवन है तो इसलिए बताता जा रहा हूं मैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मॉड्यूलेशन फैक्टर क्या है, ये आपको स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ ट्रांसमिटेड सिग्नल बताएगा। जितना ज्यादा मॉड्यूलेशन इंडेक्स बढ़िया है, स्ट्रेंथ और क्वालिटी उतनी बढ़िया रहेगी सिग्नल की, ये याद रखना है, ठीक। तो ये आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, और ये आगे एफएम है।